सुबह पता नहीं क्या हो गया इसमें यार, हवा नहीं है बिल्कुल भी और थोड़ी पंचर हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है अपने भाई के चैनल पर एक और व्लॉग में। दो तीन दिन से बिल्कुल दिन ख़राब चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कल से ही ख़राब थी तो पहले इसको ठीक करवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। चलो पैदल पैदल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ तो सुबह से काम चालू है, वो देखें यार ये बाइक में पंचर है यार, बार बार इसको ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है इसका घिस चुका है पीछे का टायर, अब दोनों टायर चेंज करवाने हैं। और भाई कल से तो दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे मैं पंचर ठीक करवाने आया हूँ। कौन आता है यार सुबह सुबह पंचर लगवाने, बट काम था यार, आज बहुत सारा काम है। जनरेटर का तू कर ले पहले, जनरेटर ख़राब हो चुका है तो जनरेटर ठीक करवाना है। लाइट नहीं आ रही कल से, उसकी मुसीबत भाई। रात में सो गया, सुबह उठाऊँ तो लाइट ही नहीं है, गायब है, इन्वर्टर बोल चुका है, मतलब चल ही रहा है, कमी नहीं है किसी भी चीज़ में। हाँ भाई दुख एक तरफ से मिले, चारों तरफ से, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी इसकी साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता भे। अब सुबह उठाऊँ तो अभी इसमें ये दुख है, अब इसको करवाओ। चलो भाई इसको भी करवाते हैं, इसका भी टायर चेंज करवाएंगे। पहले इसका टायर चेंज करवाना ज़रूरी है क्योंकि पूरा खिंच चुका है चिकना। दिखाता हूँ, दिखाऊँगा कैसे चिकना हो रहा है, बिल्कुल टकला हो चुका पीछे से, कुछ भी छोटी सी चीज़ भी गुजर रही है तुरंत हवा ख़त्म सिस्टम। देखिए ये टायर के गोदा, टायर ही टायर बड़े पड़े हैं, बट ये अपने कोई काम के नहीं है, ये सब तो वैसे थोड़े बहुत घिसे हुए हैं, देख रहे हो। और ये अपना भाई तुम्हारा यहाँ, और भाई वो छोटा सा देखिए, इसकी उम्र कम से कम होगी, लमसम होगी 12-13 साल। भाई जिम्मेदारी आ जाती है ना इंसान पर, उम्र क्या है मायने भाई, घर की जिम्मेदारी उम्र मायने नहीं रखती, जिम्मेदारियाँ मायने रखती हैं। तो भाई कर रहा है भाई सुबह सुबह, ये भी जग रहा है, तो आप भी जगो भाई जो 10-10 बजे सोते हो ना। चलो आपके पास कोई काम नहीं है ना, फिर भी मत सोया करो, टाइम टेबल बनाओ अपनी ज़िंदगी में। और एक अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रोड चल रहा भाई, माइक लेके नहीं आया हूँ। तो भाई जो जो 10-10 बजे सो के उठता ना लेट सोता है, टाइम टेबल बनाओ, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सोओगे दिन बड़ा होगा, जल्दी उठोगे दिन बड़ा होगा, कुछ भी करोगे नहीं करोगे बट जल्दी उठा करो, ठीक है। अपना एक्सरसाइज करा करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, मौज काटो। देखो ये पूरा चिकना हो चुका है, टकला क्या जलवा लो, टायर ही डलवाना पड़ेगा छोटू, बिना टायर के काम ना चले, ये हर दूसरे दिन आना पड़ रहा हो। अरे इसकी ट्यूब है अंदर की, भाई पुराना मॉडल है ना थोड़ा, तो ट्यूबलेस, अब तो ट्यूबलेस आ रही है बाइक, ट्यूबलेस ही डलवाऊंगा टायर यहाँ में, सबसे बढ़िया, एक साथ हवा कम ना होकर आएगी तो अपने कहीं पर भी जा सकती हो ट्यूबलेस में, और ट्यूब में एक साथ हवा निकल जाएगा तो दिमाग खराब रहेगा, फिर ट्यूब में एक साथ निकल जावे हवा, ट्यूबलेस में निकले ना, सही बात है, थोड़ी थोड़ी निकले भाई। सुबह कितने बजे आ जाओ छोटू? 5 बजे आएंगे। 5 बजे खुल जाए दुकान? खुल दे 5 बजे, बढ़िया। फिर तेरे गुरु? गुरु मौज ले रहे हैं मतलब, चल सही है, सही बात है, अपना काम है तो है। अभी तो आएंगे छुट्टी, अब छुट्टी मारे हो गर्मी की, तो ईद की एक दिन की मारे हो ना, रोज मारे हो 5-6 दिन की लगातार मारे हो, ले भाई 5-6 दिन की लगातार छुट्टी मारे हो, 5 बजे आ जाओ, सीखो। काम सीखने आया, काम सीखने आया, चल सही है, काम सीख, वाके बाद छोड़ देगा, वाके बाद अपनी दुकान खोलेगा, है अभी 4 साल लगेंगे, सही है। ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर है भैया, धीरे धीरे गाड़ी में भी लगने लगे, कभी कभी लगा तो भाई ऑलराउंडर, बुलेट बुग्गी सब लगा देते, केड़ी बात भाई, जिस जिसने ना पता हो पंचर कैसा लगता है भाई, इसको ऐसे रखते हैं, इसमें से जिसमें ट्यूब होती है उसे ट्यूब निकालते हैं, जो रईस है
और इसमें फिर हवा भर के फिर इसे पानी में डाल के चेक करेंगे भाई। ये मेरे को पंचर, चलो एक ज़्यादा एक्सपर्ट है वो भी, यहाँ तो बिना पानी लाए थूक लगा के चेक कर लिया, थूक लगा चेक करके सिस्टम है इसका। लो रही तो सुन लो, अभी इसको ना घिस के घिस रहे हैं, तेरे से ना करें जैसे घिस के, अब इसको पिंचर लगाया जाएगा इसको, इसे इस ट्यूब को बोलते हैं सलूशन, जैसे इसकी मजबूत हो जाती है जड़, पकड़ लेता वो। अब देखो इसे ही लगाएगा भाई, अब लग रहा हूँ पंचर जैसे किया चिपका देंगे, अब इससे हवा लीकेज नहीं होगा और पंचर सक्सेस। राउंड भाई अपना दिन चल रहा है, बता रहा था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ 8-9 बजे, 10-11 बजे और फिर नींद नहीं आती है और फिर सुबह 4 बजे आना पड़ता है। और सब कहते हैं कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, कैसे ले लेगा भाई, कुछ भी बोला भाई, सोने के लिए 3-4 घंटे ही रहता है प्रॉपर, 8-12 घंटे की नींद, किसी के पास इतना टाइम नहीं है भाई, जो जिम्मेदार लोग। पंजर तो लग गया, अब आया हूँ जनरेटर मिस्त्री को लेने भाई, जनरेटर ठीक करवाना पड़ेगा वरना लाइट का पता ही नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वेट करते हैं भाई कब तक आते हैं, वेट तो करना पड़ेगा। अब ये कौन सा जानवर उड़ के जा रहा है चिल्लाते हुए, अभी देख रहे हैं बैटरी को कैसे फेंकेंगे। जैसे आजकल चलता है ना काम निकला और बाढ़ में जाए जानता, वो वाला सीन है, काम निकला थ्रो सही है अपना। लो भाई जनरेटर का भी काम चालू, अभी तक लाइट ना आई है, लाइट बहुत दिक्कत कर रही है, क्या चाह रहे हैं पता नहीं। पे आ गए भाई जनरेटर पूरा उठवा के, मशीन इसकी लानी पड़ गई और सुबह तो कुछ ना खाया, भूख लग रही है, पहले कुछ खा के आता हूँ फिर इसका पूरा काम होगा, पूरा खोल दिया भाई पूरी मशीन। टाइम देख लो भाई, सुबह जो टाइम दिखाया था ना और अब भी मैंने देखा भाई जनरेटर ही कर पा रहा हूँ 3-4 घंटे भाई, सुबह समझ लो 8 बजे से लगा पड़ा हूँ 7 बजे तक, 7, 8, 9, 10, 11 4-5 घंटे हो गए और घर गया था अपना, थोड़ा सा ओट्स खाने ओट्स खाए थे, अब आके यहाँ बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, धूप डिग्री दिखाता हूँ 28 डिग्री दिखा रहा, मतलब आज तो कम है, मतलब आज थोड़ा कम है, हवा है ना आज तो धूप में हवा है, बट देखो जनरेटर अपना दुखता हुआ अब ये प्रॉपर मस्त चला करेगा और गर्मी बहुत अच्छी खासी पड़ रही है, तो भाई पानी पीते रहो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो समझिए। और यहाँ भाई ट्रक का भी काम चल रहा है बराबर में, ट्रक का भी काम चल रहा है, ये अपना काम चल रहा है और हम अपने सीटक में बैठे हैं आराम से और इस काम को करवा रहे हैं, आज पूरा दिन जाएगा, पूरा दिन इसमें जाएगा, कोई बात ना आज एक दिन इसको दे देते हैं, इसकी वजह से फिर ये प्रॉपर ठीक हो जाए। जैसे आज मैं इसकी सर्विस करा रहा हूँ ना, ऐसे एक दिन मैंने जब वो मुझे छोड़ कर चली गई थी तो मैंने भी अपने आप को पूरा खोल कर सर्विस करवाया था, उसकी यादों को साफ करवाया था कि भाई बाय बाय करके, तो भाई बहुत दुख होता है। बंद करो हाथ जोड़ के, कोई बात नहीं भाई होता रहता है ये सब चीज़। ले लिया भाई लंच ब्रेक और मैं आ गया कुछ खाने, और खाने क्या आया हूँ दिखाता हूँ, ओनली कुछ नहीं छोले कुलचे सोगे भाई, और कुछ खाने का मन नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेड ही तो है तो खा लेंगे, अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो अपना ही लंच भी हो जाएगा, इसके बाद शाम को जिम भी जाना है तो ठीक ठाक है, घर जाता फिर वापस आना बहुत टाइट अप हो जाना बिल्कुल, मैंने बाहर ही खाओ तो अपने छोले कुलचे आ रहे हैं अभी, जो अपने छोले कुलचे आ रहे हैं, हम छोले से कुलचे खाएंगे आगे, अपनी छोटी सी मील कुलचे छोले और ये अपना रायता, अब खाकर फिर चलते हैं वर्क पर, आज का पूरा दिन खत्म।
हाँ जी हाँ, हो चुके रात। मैं आया था जनरेटर उस टाइम, देखा आपने सब ठीक करवा चुका था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया था। आया इसके बाद जनरेटर लगवा दिया, फिक्स हो गया, दिखा नहीं पाया इसके लिए सॉरी। उसके बाद मैं जिम चला गया था, जिम से अब आया, खाना पीना खाया, मैं जा रहा हूँ सोने। और जो ये जो थोड़ा सा बीच का ना बना नहीं पाया, क्योंकि यार अचानक से फिर जल्दीबाजी में फिर मैं जिम भाग गया, जिम में मैं भूल गया, क्योंकि जिम में मैं मोबाइल रख देता हूँ, सिर्फ अपना फोकस रखता हूँ जिम पे। तो ठीक है, अब इस मिनी व्लॉग करो, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और तुम्हारा अपने भाई को सपोर्ट दिखाना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय, मजे करो, एंजॉय फुल, बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा पापी गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन से भार छाती शाइन।